आपकी बात हुई किसी से में ऑक्सीजन? हाँ, मेरी डॉक्टर साहब से ही बात हो गई है और अभी मैं ना एसडीएम साहब से ही बात कर रहा हूँ। मैं ना आपको हाँ सिलेंडर मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप तो अपने पापा को देखो, आपके पापा है ना? हाँ मेरे पापा हैं सर। हाँ तो अभी उनकी उनकी हालत कैसी है पहले ये बताओ। उनकी क्रिटिकल है सर, वो उनके अंदर ट्यूब डला हुआ है और वो उनका स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी ऑक्सीजन, वो 50 से लेके 80 के बीच में वो स्विंग करते रहता है। तो उनको उनको कोरोना की प्रॉब्लम है या उनको कुछ और प्रॉब्लम थी पहले से? उनको पहले ब्रोंकाइटिस था लेकिन उनको कोरोना हुआ। हाँ। और निमोनिया भी हो गया है। हाँ। और फिर आज डॉक्टर राघवेंद्र जी ने उनके चेस्ट में ट्यूब डाला है क्योंकि एयर उनका जो लंग था वो पंचर हो गया था। हाँ। उनको 85 से 90% तक उनका जो लंग है दोनों लंग्स इन्फेक्टेड है उनके पूरे के पूरे। दोनों लंग्स? अच्छा। दोनों लंग्स इन्फेक्टेड है, वो बहुत क्रिटिकल है और हर बार मतलब ये तो अभी नहीं हुआ होगा, ये तो पहले से होंगे फिर? नहीं नहीं, ये कोविड के कारण ही हुआ है, पहले उनको ब्रोंकाइटिस था लेकिन कोविड के कारण उनके लंग्स इन्फेक्ट हो गए। तो अभी आपके परिवार में आपके साथ में वहाँ पर कौन है मतलब जो डॉक्टर वगैरह से बात कर रहे हैं? कोई नहीं है सर, मेरे चाचा जी और मेरे ताऊ जी दोनों गुजर गए हैं। नहीं तो परिवार में कोई तो होगा, भैया वगैरह होंगे? नहीं नहीं, मैं इकलौती हूँ सर, मैं इकलौती हूँ। मेरी मम्मी को भी कैंसर है और वो उनको सर यही दिक्कत है, मेरी मम्मी को भी कैंसर है, वो आइसोलेट उनको करके रखा है मैंने घर में, मैं अकेली हूँ। पापा क्या करते थे आपके? मेरे पापा एमपीबी में थे, अभी रिटायर हुए थे लास्ट ईयर अगस्त में। अच्छा, तो अगर अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में अगर अपन करना चाहें तो आप नहीं जा सकते मतलब? सर मैं कैसे लेके जाऊंगी, और कहीं भी नहीं है, प्राइवेट में अगर लेके भी जाएंगे प्राइवेट में पहली बार वो पूरी फिर स्टार्टिंग से रिपोर्ट मांगते हैं। पापा शिफ्ट करने लायक भी नहीं है, वो बहुत क्रिटिकल है, शिफ्ट करने में ही उनको दिक्कत आ जाएगी। चलिए मैं आपके है ना सुबह तक सिलेंडर की व्यवस्था करा दूंगा, ठीक है जी? सिलेंडर की व्यवस्था करा दूंगा, बाकी आप जिस तरीके से बता रहे हैं पापा को मेरी ख्याल से ट्रीटमेंट और भी बहुत सारी जरूरत है। जी उनको बहुत जरूरत है और इसी वजह से मैं शिफ्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ के सारे डॉक्टर उनकी सारी हिस्ट्री जानते हैं। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उन डॉक्टर उन पापा अभी पापा मतलब अभी आपसे बात कर रहे हैं कैसे मतलब? फादर मेरे बात कर लेते हैं लेकिन उनको उनकी सांस उखड़ जाती है, वो देर तक बात नहीं कर सकते हैं और देर तक वो बैठ भी नहीं पाते और लेट भी नहीं पाते। तो उनके लंग्स जो अभी है ना जो प्रभावित हुए हैं वो कितने परसेंटेज हुए हैं? उनका जो सीटी स्कोर है वो 24 है, 25 में से 24 है, जो बहुत क्रिटिकल है। उनका 85% के अराउंड उनके लंग्स इन्फेक्टेड है। अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो डॉक्टर मतलब क्या बता रहे हैं कि उनको सही मतलब इन्हें कितने दिन में कर देंगे वो? अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो अगर ऑक्सीजन अगर उनको प्रॉपर मिलता रहता है तो उनको कितने दिन में सही कर देंगे? डॉक्टर से कोई चर्चा हुई है कि कितने दिन में उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिन में वो उनके? उन्होंने ये बोला है कि एक हफ्ते तो उनका ये देखना पड़ेगा क्योंकि उनको अभी हाल फिलहाल प्लाज्मा लगा है। और एक हफ्ते तक उनका ये देखा जाएगा कि वो स्टेबल रहते हैं कि नहीं रहते हैं, उनका स्टेबिलिटी ही एक हफ्ते तक चेक की जाएगी और वो उसके बावजूद वो 15-20 दिन तक और भी रहेंगे। आज जब डॉक्टर को ट्यूब लगा रहे थे तो उन्होंने मेरे को बोला था, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर ट्यूब कब तक रहेगा? क्या नाम है पापा का? नवकांत शर्मा। आप ब्राह्मण है? हाँ ब्राह्मण है। मैं बात कर रहा हूँ, देखो अभी है ना अभी मैं एक ब्राह्मण अपना एक ब्राह्मण समाज का संगठन भी चलाता हूँ मैं, ठीक है जी? मैं उसमें भी बात कर रहा हूँ कि आपके पापा के लिए अपन और क्या कर सकते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन का तो मैं व्यवस्था कराता ही हूँ सुबह तक, बाकी और क्या व्यवस्था हो सकती है और क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। कल मैं है ना एक बहुत जरूरी काम से आगरा जाना है मुझे, तो मैं परसों मॉर्निंग में सुबह लौटूंगा, तो मैं फिर पापा को मिलने के लिए आता हूँ सुबह परसों, ठीक है? कल मैं आपको सिलेंडर की व्यवस्था कराता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, सिलेंडर आपको मिलेगा, ठीक है? मैं भी एसडीएम साहब से और मंत्री जी से दोनों से बात कर रहा हूँ, आपको रात में या सुबह तक आपके पास सिलेंडर आ जाएगा हॉस्पिटल में। अभी सिलेंडर वहाँ पर है, दो तीन सिलेंडर है वहाँ पर हॉस्पिटल में, मैंने बात कर ली है। पांच सिलेंडर है? हाँ, मेरे को तीन बता रहे थे, तो हो सकता है वो एक दो सिलेंडर और एक्स्ट्रा भी रखे होंगे। तो अभी सिलेंडर है, रात भर की व्यवस्था बन जाएगी, सुबह तक आपके पास सिलेंडर मिल जाएगा, आपको सिलेंडर वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? बाकी भगवान से थोड़ा सा प्रेयर कीजिए, मैं भी बोलता हूँ कि ना आपके पापा जल्दी से सही हो जाएं,
क्योंकि उनकी जो लंग्स वाली दिक्कत है ना वो बड़ी प्रॉब्लम है। सिलेंडर की बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिलेंडर तो मिल जाएगा है ना। मैं करता हूँ अभी मैं बात कर रहा हूँ और आप ही के काम के लिए लगा हुआ हूँ। आप कुछ आपके हॉस्पिटल में सिलेंडर पहुंच जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जी जी, थैंक यू सर।